हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वैभव तिवारी और आज आपको एक और ब्यूटीफुल स्माइल डिजाइनिंग का केस मैं दिखाने वाला हूं। तो ये हमारे स्पेशल पेशेंट आए हैं, कहां से आए बताइए। कर्नाटक से। और ये बहुत पुराने सब्सक्राइबर हैं हमारे जी अनवर जी। बहुत पुराने सब्सक्राइबर हैं और कब से देख रहे हो? जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर थे, मतलब 1000 के आसपास, उस समय से बहुत पहले शुरुआती दौर से। थैंक यू सो मच। और अब ये आए हैं और चलिए अब इनका ट्रीटमेंट करना है और इनको अच्छी स्माइल देना है। आइए मैं पहले कंडीशन बता दूँ। सो गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हैं दांत इनके अभी सब टेढ़े मेढ़े हैं, है ना। इनको प्रॉपर अलाइनमेंट में करना है, साथ ही साथ है दांतों में बहुत स्टेन्स है, गंदगी है, और ये सब पूरा क्लीन अपने को करना है, ठीक है। तो इनको अच्छी एक स्माइल देना है। अभी फ़िलहाल हमको जो वर्क करना है ऊपर का करना है, ठीक है, इस तरह का। तो ये सबको प्रॉपर अलाइनमेंट में हमको देना है, अच्छी स्माइल देना है, ठीक है। अंदर का भी दिखाओ, ये सर आकर ये देखिए, अंदर भी देख सकते हैं कि दांतों के अंदर साइड में बहुत स्टेन से गंदगी है। तो चलिए सब क्लीनिंग पॉलिशिंग करके अच्छी स्माइल देना है हमको अभी। तो आपको फिलहाल मैंने अभी कंडीशन दिखाई, अब ट्रीटमेंट हम स्टार्ट करते हैं, आपको फाइनल रिजल्ट भी देखने मिलेगा, तो बने रहिए वीडियो में। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, आज लास्ट दिन है, आज पेशेंट को हम फाइनल रिजल्ट देने के साथ आज ख़त्म होने वाला है इनका ट्रीटमेंट। और चलिए मैं आपको अभी की कंडीशन दिखाता हूँ। आइए ओपन करिए। तो ये आप देख सकते हैं, अभी थोड़ी देर पहले देख रहे थे आप, बहुत गंदे दांत थे इनके, अब देखिए कैसे चमचमा रहे हैं, ठीक है। मैं अंदर से भी आपको दिखाता हूँ, सी पूरे क्लीन हो गए हैं। और ऐसे ही आप क्लीन रखिएगा, ठीक है, खाना नहीं गंदी चीज़। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये टेम्परेरी क्राउन्स है, ये हमने नेक्स्ट डे ही दे दिया था पूरा प्रिपरेशन करने के बाद। और ये अब मैं रिमूव करने वाला हूँ, क्योंकि इसकी जगह पे हम जिरकोनिया लगाने वाले हैं, वो आपको मैं दिखाऊंगा। सो गाइज, अंदर की आप कंडीशन देख सकते हैं, ये हमने एक इम्प्लांट प्लेस किया है। और इम्प्लांट से फ़ायदा ये है कि जहाँ से हमने दांत निकाला था, क्योंकि दांत निकालना मजबूरी थी, क्योंकि दांत इतना ज़्यादा आउट था और पूरा रोटेटेड था कि उसको हम मॉडिफाई करना उसको नामुमकिन था। तो इसलिए हमने इम्प्लांट डाला। और देखिए स्ट्रेट दिखाओ, ये साइड से दिखाओ गाइस, देख सकते हैं कितना अप्रोप्रिएट स्ट्रेट और सेंटर पे इम्प्लांट प्लेस है, वो भी बहुत स्ट्रांगली। इम्प्लांट से फ़ायदा क्या है, स्ट्रेंथ भी बढ़ गई है, और ये जो बोन होती है ना जहाँ पे हम दांत निकाल देते हैं, वो बोन धीरे धीरे पतली होने लगती है, लेकिन अगर इम्प्लांट रहेगा तो वो वैसी की वैसी विड्थ उसकी मोटी रहेगी। सो गाइज, अब फाइनली मैं इनको जिरकोनिया क्राउन्स लगाने वाला हूँ और अब देखिएगा ब्यूटी। तो गाइज, एट लास्ट ट्रीटमेंट कम्प्लीट हो गया है और हम पेशेंट से भी बात करते हैं और आपको भी मैं दिखाता हूँ। स्माइल करिए अंदर से, पास से स्माइल। अब देखिए गाइस, स्माइल अनवर जी की। अनवर जी, कैसा फील हो रहा है आपको, ये बताओ। अच्छा लग रहा है, एकदम कॉन्फिडेंट हूँ। पहले कंडीशन कैसा था? पहले टेढ़े मेढ़े दांत थे, बहुत टेढ़े मेढ़े थे, निकालना पड़ा। और सर ने सजेस्ट किया कि एक इम्प्लांट ज़रूरी है, उन्होंने सजेस्ट किया, प्लान पूरे बताए, मैंने इम्प्लांट को सेलेक्ट किया। विदाउट इम्प्लांट भी हो सकता था, लेकिन इम्प्लांट के जो साथ में जो होता है वो एकदम परफेक्ट काम होगा, मजबूती रहेगी, इसलिए मैंने इम्प्लांट को सेलेक्ट किया। फिर सर जो आइडिया दिए उसके ऊपर मैंने फॉलो किया, ज़्यादा मैं उनको टॉर्चर नहीं किया, क्योंकि हमारा दिमाग लगाने का फायदा नहीं है, इसलिए डॉक्टर का भी सुनना ज़रूरी है, वो भी हम तो सुनते हैं, हम भी उनको सुनने का। इसी तरीके से मैं सेटिस्फाई हूँ। इतनी दूर से आए ट्रीटमेंट कराने, परफेक्ट काम। थैंक यू सो मच। ये कर्नाटक में रहते हैं और स्पेशली ट्रीटमेंट किया है, तो मुझे भी अच्छा लग रहा है, आज हो गया। ये टारगेट था हमारा कि ट्यूजडे तक तो हो ही जाएगा। और चलिए मुंबई घूमिए थोड़ा दिन आप आसपास, है ना। और कुछ भी रहता है समस्या तो बताओ, मैसेज करो, जो भी है। बाकी तो सब परफेक्ट है, फैंटेस्टिक, कोई दिक्कत आने वाली नहीं। अब ये परमानेंट हो गया है, खाओ पियो, बस 1 घंटे पानी नहीं लगाना है, छोटा सा प्रिकॉशंस रहता है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो गाइस, होप सो आप लोग को भी अच्छा लगा हो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू अनवर जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।